श्री सिद्धेश्वर साईं हनुमान मंदिर बंजारी कोलार पर भगवान श्री हनुमान जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी। पंडित देवेंद्र दुबे ने मीडिया को जानकारी दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कोलार पर हनुमान जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांगा लगा हुआ है। आज हम बात करेंगे सिद्धेश्वर साई हनुमान मंदिर जो बंजारी कोलार स्थित है। ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर माना जाता है कि भगवान सामने जो भी मुरादे सच्चे मन से मान ली जाती है पूरी हो जाती है। हमारे साथ में पंडित देवेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं। आज बब्बा का जन्मदिन है। हम उसे जानना चाहेंगे किस प्रकार बब्बा की पूजा करने से बब्बा जल्दी प्रसन्न होते हैं। पंडित जी पहले बताइए बब्बा का जन्मदिन है किस प्रकार मनाना चाहिए। जय श्री राम। आज हनुमान जी महाराज का प्रकटोत्सव है। हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से पूरा शहर पूरे भारत देशवासी मनाते हैं। जैसे आपने देखा अभी राम जन्मोत्सव हुआ, रामनवमी को जैसे यात्राएं निकाली गई, जैसे आज ही जगह जगह मंदिरों में भगवान के जागरण पूजन पाठ सुंदरकांड इत्यादि किए जा रहे हैं। हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं और कहा गया है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत वीरा, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहु को डरना। हनुमान जी की कृपा यदि प्राप्त करना है तो उनकी शरण में आपको आना पड़ेगा, तभी कृपा पात्र आप बन सकते हैं। आज आपके मंदिर में नारियल चढ़ाए, लोग भिन्न भिन्न प्रकार की मन इच्छित कामनाएं लेके मंदिर में आते हैं और भगवान दक्षिणेश्वर उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसी भाव को लेकर के यहाँ पर जो नारियल आप देख रहे हैं सब इकट्ठे हुए हैं। अनेक अनेक भक्त सुबह से आ रहे हैं और अभी भी भक्त खड़े हुए हैं मंदिर। सर ये मंदिर कब बना और किसने बनाया? ये मंदिर 2016 में इसकी स्थापना हो गई है। इसके मुख्य यजमान रूप से श्री सुजीत सेन जी रहे हैं और माता जी श्रीमती सीमा पवार जी हैं और एक यजमान है विष्णुकांत वर्मा जी। तीनों ने मिलकर भगवान की यहाँ प्रतिमाओं को स्थापित किया है। जब से निरंतर यहाँ भगवान की नित्य सेवा चल रही है और इसके मुख्य सेवादार हैं अतीत पवार पिंटू भैया जी हैं, वो भैया से सेवा देते हैं। और आज सुबह जो अभिषेक हुआ प्रातःकाल उन्होंने आकर के बढ़िया भव्य भगवान का अभिषेक किया जो आपने देखा। बंजारी स्थित सिद्धेश्वर साईं हनुमान मंदिर पर लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर श्रीफल लेकर आदमी आता है और भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित करते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन भगवान तो सिर्फ श्रद्धा और भाव के भूखे हैं, चढ़ावे के नहीं। ये बात स्वयं भगवान जी ने कही है ग्रंथों में कि मुझे जो सच्चे मन से मानेगा मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा सिद्धांत अगर अपनाएंगे, किसी को अहित ना करेंगे, किसी को फायदा पहुंचाएंगे तो मैं स्वयं पृथ्वी पर आकर किसी भी रूप में आकर आपको फायदा पहुंचाएंगे। तो आइए हम सब उनके भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले और एक दूसरे मदद करते हुए आगे बढ़े। हेडलाइन 24 संतोष ज्योति भोपाल। आज बड़ी खुशी की बात है कि हनुमान जी का जन्म दिवस है, प्रकट दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है पूरे हर्षोल्लास के साथ। और यह हमारे बंजारी का बड़ा प्राचीन और बड़ा प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर जो भी भक्तगण आता है अपनी मनोकामना लेके वो पूर्ण होती है। मैं काफी समय से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर आता हूँ। हनुमान जी का आशीर्वाद निरंतर हम लोगों को मिल रहा है और हमारे घर के अंदर सब खुशहाली और बड़ी प्रगति है। हम भगवान हनुमान जी से फिर एक बार प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही आशीर्वाद वो हम पे भक्तों पे आगे भी बनाए रखें। जय श्री राम। जय श्री राम। हम तो इस मंदिर में रोज आते हैं, रोज हनुमान जी के दर्शन करते हैं। आज हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है तो ये तो बड़े हर्ष और उल्लास की बात है। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, भारत में आज भगवा रंग छाया हुआ है क्योंकि भगवा रंग जो है मतलब सनातन धर्म जो है हिंदू यहाँ का अपना भारत का और सबका पूरा मतलब एक महान धर्म है जिसको हम लोग मानते हैं। इसलिए हम लोग ये हनुमान जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। जय श्री राम।